उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि घटना पर सियासत सही नहीं है। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर कांग्रेस लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। ट्रेन हर सुविधा से लैस थी, केंद्र सरकार लगातार इन ट्रेनों को लेकर वाहवाही लूट रही है, तो आखिर आपात स्थिति में ट्रेन खुद ब खुद क्यों नहीं रुकी। कांग्रेस का कहना है कि अगर रेल मंत्री इस्तीफा देते हैं तो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी भी दबाव में आकर इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा कांग्रेस परिवार साथ खड़ा है। हमारे नेता राजेश ठाकुर जी ने भी दुख व्यक्त किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दुख व्यक्त किया है। हम लोग इस दुख की घड़ी में उन परिजनों के साथ खड़े हैं। हम रेल मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते हैं। उसकी वजह ये है, इस्तीफा उनके देने से ये होगा कि जो जिम्मेदार अफसरान हैं उन पे एक दबाव बनेगा कि जब रेल मंत्री नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे सकता है तो हम लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए, वो अधिकारी भी इस्तीफा दें जो जिम्मेदार है। वहीं जवाब देते हुए बीजेपी का कहना है कि जो घटना हुई है वो काफी दुखद है, दिल को झकझोर देने वाली है। वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेलवे के साथ मिलकर राहत कार्य चला रही है, लेकिन फिलहाल कुछ दल राहत कार्य में सहयोग करने की बजाय सियासत में उतर आए हैं, जो बेहद अफसोसजनक है। बीजेपी ने यह भी कह डाला कि जो लोग रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के जब रेल मंत्री केदारनाथ पांडे 80 के दशक में जब भीषण रेल दुर्घटना हुई थी और 8 बोगियां बागमती नदी में समा गई थी, तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन आज बजाय राहत कार्यों को सफल तरीके से संचालित करने के सियासत की जा रही है। ये ओडिशा में जो भी रेल दुर्घटना हुई वो बहुत दुखद थी, वो बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं थी। सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लोग घायल हैं, राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और वहाँ केंद्र, राज्य सरकार और रेलवे मिलकर राहत कार्य चला रही है, लेकिन अभी भी कुछ दल राहत कार्य में सहयोग करने की जगह राजनीति कर रहे हैं, जो कि बेहद ही अफसोसजनक है। यह समय है राजनीतिक संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर मानवता के लिए एक होकर काम करने का, लेकिन आज भी राजनीति, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने विकृत मानसिकता पर। उड़ीसा में रेल दुर्घटना को लेकर अभी जहां राहत कार्य अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल दुख और शोक जताने के साथ साथ सियासत करने से भी बाज नहीं आ रहे। रेल हादसे को लेकर सियासत अपने चरम पर है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई है, ये जवाबदेही तय की जाए और किनकी लापरवाही इसमें रही है जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इस बात का पता लगाया जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।